नमस्कार, कृषि अपडेट कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। ये तो आप जानते ही हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपका परिचय उन तकनीकों से कराते हैं जिनका इस्तेमाल करके किसान अपनी आमदनी तो बढ़ा ही रहे हैं, अपने जीवन स्तर को भी बेहतर बना रहे हैं। नई तकनीक, नई सोच और अपडेट रहकर किसानों ने अपने खेतों में विकास की नई फसल बोई है। तो शुरू करते हैं कृषि अपडेट का आज का एपिसोड। जवाहर मॉडल, कम भूमि या भूमिहीन किसानों के लिए वरदान। डोंकी फार्मिंग, एक व्यवसाय। खिपको, देश के किसानों की तरक्की के लिए अग्रसर। अब राजस्थान में भी हो रही है स्ट्रॉबेरी की खेती। जवाहर मॉडल, कम भूमि या भूमिहीन किसानों के लिए संचालित एटीएम जैसा है। कम उपजाऊ, शुष्क या ऐसे भूखंड जहां पानी भरा रहता हो, वहां के किसान भी अच्छी उपज पैदा कर लाभ कमा सकते हैं। एक ऐसी तकनीक जो आसानी से समझी और अपनाई जा सके, यानी भविष्य में खेती की एक नवीन और प्रभावशाली तकनीक। हमारे प्रदेश की बात करेंगे तो हमारे प्रदेश में कम से कम 75% किसान जो हैं छोटे और मंझले जोत के हैं। अब ये छोटे किसान संसाधन विहीन होते हैं और ये वर्षा आधारित खेती करते हैं। इन्हीं किसानों की आय को दुगनी करने हेतु हमारे विद्यार्थी और हमारे सहयोगियों ने मिलकर ये जवाहर मॉडल तैयार किया है। इसमें खेती बोरियों में मिट्टी और गोबर की खाद एवं बायोफर्टिलाइजर्स को मिश्रण करके तैयार किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे जो कृषक हैं उनको डीएपी या कोई अन्य बोरी आपको कहीं भी बाज़ार में सस्ते रेट में मिल जाती है, उनमें 40 किलो हल्की मिट्टी और करीब करीब 25 किलो गोबर की खाद जो अच्छे से सड़ी हो, उसमें बायो फर्टिलाइज़र का मिश्रण करके आप यहाँ पे ये सब्सट्रेट बना सकते हैं और बोरी में आप राहर को डायरेक्ट बोनी कर सकते हैं या आप रोपा तैयार करके लगा सकते हैं। अब इसमें ही बात ये आती है, मुख्यतः हम बारिश के लिए वेट नहीं करते। बारिश से पहले हम अपनी बोरियाँ भर लेते हैं और अपनी बोनी कर देते हैं। उनको जोत जो करते हैं, जुताई जो करते हैं, उससे वो बच जाते हैं, दूसरी निंदाई नहीं करनी होती है। और यदि किसानों के पास ज़मीन बेकार है या कम उपजाऊ है या उसमें सिंचाई के पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं हैं, वो सारे कृषक ये जवाहर मॉडल को अपना सकते हैं। इसमें मुख्यतः हम लोगों ने राहर की फसल को तैयार किया है और इसमें बोरों में पौधे से पौधे की जो दूरी है ये 6 फीट रखा हुआ है। इसमें राहर को हम लोग या तो रोपित कर लेते हैं या सीधे बोनी कर लेते हैं। ये हमारा आधा एकड़ का प्रादर्श है, मॉडल है, जिसमें हम लोग करीब करीब 29 फसलों का उत्पादन करते हैं। और राहर को जब बोनी करते हैं उसके बाद उसमें धनिया बो देते हैं, तो जब धनिया बड़ी हो जाती तो हमारी नींदा की जो बाढ़ है वो रुक जाती है। तो जो बोरियों में जो जगह बची रहती है उसमें हम लोग धनिया 45 दिन में हम निकाल लेते हैं, एक फसल निकाल लेते हैं, मतलब जो उस समय करीब करीब 400 रुपये किलो के भाव से बिकती है बाज़ार में। तुरंत हम दूसरी फसल भी धनिया का बो देते हैं, वो हमें अगले 45 दिन में फसल मिल जाती है। इस प्रकार से एक बोरी में से हम करीब करीब आधा किलो धनिया पत्ती निकाल लेते हैं, यानी कि 200 रुपये की हम उपज कर लेते हैं। इसके बाद जो राहर है, हम एक पौधे से करीब करीब 2 किलो राहर की दाने हम निकाल लेते हैं, जबकि स्थानीय पद्धति से जो कृषक राहर लगाते हैं 150 ग्राम राहर ही निकाल पाते हैं। इसके अलावा इस राहर से हम करीब करीब 4500 ग्राम लाख भी निकाल लेते हैं और 4.5 किलो जलाऊ लकड़ी भी निकाल लेते हैं। तो ये 65 किलो की जो हमारा मिट्टी और गोबर की खाद का मिश्रण है, इसमें से हम लोग इतने फसल निकाल लेते हैं। इसके अलावा
पौधे से पौधे की जो 6 फीट की दूरी है उसके बीच में हम लोग हल्दी, अदरक, मिर्ची, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां, ये सारी चीज़ें हम लोग लगाते हैं ताकि किसानों को लगातार और निरंतर नगद राशि उपलब्ध होते रहें। ऐसा परिदृश्य जो किसान आराम से और आसानी से और कम संसाधन से अपने यहाँ तैयार कर सकता है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज, ये उस दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग यहाँ पे पानी का नियंत्रण करते हैं ताकि कम पानी से ज़्यादा उपज निकल सके। जिन किसानों के पास ड्रिप इरिगेशन की सुविधा नहीं है, वो किसान अपनी इन तैयार बोरियों में 1 लीटर पानी हर 4 दिन में डालेंगे तो भी काम हो जाएगा। तो ड्रिप इरिगेशन जैसे व्यवस्था को लागू करने से या इन्वेस्टमेंट करने से भी किसान शुरू में बच सकता है। आत्मनिर्भर भारत में ये एक बेहतरीन कदम है जहाँ पे हर छोटे किसान अपनी बाड़ियों में फसल की सघनता बढ़ा सकते हैं। उद्देश्य ये है कि किसान को 6 महीने के इंतज़ार ना करना पड़े अपनी फसल बेच के पैसा घर आने में। यहाँ पे हर 15 दिन के बाद आपको एक फसल मिल जाती है और ये फसल का चयन किसान अपने स्थानीय बाजार को देखते हुए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे एक और जो किसान को लाभ है कि किसान अपने हिसाब से बोनी पहले करके बोरियों में ये फसल को जल्दी भी बाजार में ला सकता है। ये प्राय आप देखेंगे तो ग्रीन हाउस में या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में होता है, मगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किसानों को लागत बहुत लगती है, यहाँ पे तो ओपन है। और शुरुआत हम किसानों को प्रोत्साहित करते हैं अपनी बाड़ी में लगाएं, क्योंकि हर किसान के घर के पीछे एक छोटा सा बाड़ी होता है। बाड़ी में प्रायोगिक तरीके से वो करें और उसको जब सफलता मिलती है वो विस्तार कर सकता है अपने मेन खेत में। हम लोग का जो अनुभव है वो ये है कि जब खेत में पानी भी भर जाता है बारिश के समय, उसके बावजूद ये फसलें जो बोरी में तैयार हैं ये एक भी पौधा नहीं मरता, क्योंकि पानी जो बोरी से निथर जाती है और बह जाती है। निंदाई हम बिल्कुल नहीं करते, हम लोग अपने खेत में जो बोरियों में अनाज उपज करते हैं उसमें केमिकल फर्टिलाइजर नाम की चीज़ डालते ही नहीं है, तो जो उपज आ रही है वो पूरा ऑर्गेनिक हो जाता है। यदि आप ऑर्गेनिक की खेती करना चाहेंगे अपने क्षेत्र पे, तो 5 साल तक तो उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में लग जाता है। इसमें वो वेटिंग पीरियड नहीं है। कोई भी टेक्नोलॉजी यदि एडॉप्ट करने में हमें बहुत परिवर्तन ना करना पड़े, बहुत लागत ना लगे, तो वो टेक्नोलॉजी लोग आसानी से अपना लेते हैं। यही धारणा है हमारे यहाँ पे जो भी कृषक आते हैं, महिला कृषक आते हैं, उन्होंने यही देखा है कि ये चीज़ सस्ती है और ये अपनी बाड़ी में या अपने खेत में आसानी से अपनाया जा सकता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें की ज़रूरत नहीं। जवाहर मॉडल में आपको 100 ग्राम बीज में आप आधे एकड़ में खेती कर सकते हैं और प्रति पेड़ उपज जो स्थानीय किसान 150 ग्राम निकालती है, हम लोग करीब करीब 2 किलो प्रति पेड़ निकालते हैं। इसका मतलब कम जगह में कम पेड़ से ज़्यादा उपज। जवाहर मॉडल एक प्रकार से हमारा ATM जैसा है और इसमें बड़ा ही कहना चाहिए सफलतापूर्वक संचालित किया जा रहा है। इस मॉडल को बहुत सारे आदिवासी किसानों ने, ग्रामीण क्षेत्रों की रहने वाली महिलाओं ने, अगर आपकी ज़मीन अच्छी नहीं है, उर्वरा शक्ति उसकी अच्छी नहीं है, तब भी ये मॉडल वहाँ पर उपयोग में लाया जा सकता है। पानी भर जाता है वहाँ पर भी ये मॉडल उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये सर्वसुलभ सर्व उपयुक्त एक मॉडल हम लोगों ने विकसित करने की कोशिश की है और इसमें कोशिश ये की है कि एक छोटे से किसान को ज़मीन के छोटे से टुकड़े से लगातार और अनवरत रूप से आय प्राप्त हो सके, ऐसा हमारा ये जवाहर मॉडल है जिसे हम लोग ATM कहते हैं, किसान का ATM। जो छोटे किसान हैं, जो छोटी महिला किसान हैं, अपनी बाड़ी में ही लगा सकते हैं और आउटपुट इतना अच्छा मिल सकता है, तो ये डायरेक्ट कोरिलेशन है महिला सशक्तिकरण में, न्यूट्रिशन लेवल्स इंप्रूव करने में। सबसे ज़्यादा जो अगर आप गांव में देखेंगे, महिलाएं हैं जो एनीमिक हैं, महिलाएं हैं जिनका जो हेल्थ है, हेल्थ इंडिकेटर्स वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो जिस तरह का इसमें फूड बास्केट है,
वो डायरेक्ट एड्रेस करता है जो न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के लिए, प्लस उनकी आय जो मिलेगी डेफिनेटली दैट विल लीड टू बेटर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ देयर ओन फैमिलीज। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। आपने पशुपालन के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, पर आपने क्या डोंकी फार्मिंग के बारे में सुना है? जी हाँ, पूजा कॉल ऐसी ही एक उद्यमी है जिन्होंने डोंकी फार्मिंग के लिए काम किया और गधी से होने वाले स्वास्थ्य वर्धक लाभ के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। मैंने अपना मास्टर्स किया था सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में, तभी इसी दौरान मास्टर्स के टाइम ही मैं रिसर्च कर रही थी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, बिकॉज हम लोग को एक थीसिस लिखने को, एक प्रोजेक्ट करने को दिया गया था। एंड आई वाज डूइंग माय रिसर्च एंड रियलाइज कि एक ऐसा कंपोनेंट है अपने पास, एक ऐसी रिसोर्स है अपने पास डोंकी का दूध, जो लोग ना यूज़ करते हैं ना लोगों को बेनिफिट उसका पता है। क्यों ना इस चीज़ की जागरूकता फैलाया जाए एंड जो लोग इसको पालते हैं, जो कि मेनली वो लोग कंस्ट्रक्शन या ब्रिकलिंस पे काम करते हैं, ईंट की भट्टियों पे काम करते हैं, उन लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती है डोंकी के फार्मिंग के बारे में। एंड दे आर अर्निंग 150 रुपीज़ to 300 रुपीज़ पर डे। एक सोशल वेंचर है जो हम लोग डोंकी ओनर कम्युनिटीज, जो लोग गधा गधी पालते हैं उनके साथ हम लोग काम करते हैं। हम लोग उनको लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की अपने साइड से कोशिश करते हैं बाय यूटिलाइजिंग देयर अनटैप्ड रिसोर्स। जो अनटैप्ड रिसोर्स है वो डोंकी का दूध है, जो गधी का दूध है। सो मिल्किंग का जो प्रोसेस होता है, नॉर्मली हम लोग जैसे गाय और भैंस की मिल्किंग करते हैं उसी वे में मिल्क होता है, कोई भी जो डोंकी है उनको भी। बट इट जस्ट दैट जैसे कि मैंने बताया, जो क्वांटिटी होती है मिल्क की बहुत ही कम होती है, 2.5 ml to 1.5 liter, जो कि बहुत ही कम माना जाता है। एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर वो इतने ही क्वांटिटी में मिल देता, उनके बच्चे भी हैं, उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, तो एक अल्टरनेटिव बेस पे हम लोग मिल्क करते हैं उसका। एंड एक सर्टेन परसेंट हम लोगों ने नो लाइक कर रखा है हर एक कम्युनिटी में कि उससे ज़्यादा मिल्किंग हम लोग नहीं लेंगे पर डे, बिकॉज उनके बच्चों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। उस मिल्किंग के बाद हम उसको पैश्चराइज करते हैं। प्रेशराइजेशन का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल मिल्क, बिकॉज डोंकी मिल्क में जो फैट कंटेंट होता है वो 0.01 to 1% होता है, नॉट मोर देन दैट। मैक्सिमम कभी कभी 3 पे जाता है, तो फटने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते। तो उसका पैश्चराइजेशन मेथड थोड़ा हम लोग का थोड़ा डिफरेंट होता है, सिंपली पैश्चराइजेशन मेथड है। उसको करने के बाद वी कन्वर्ट मिल्क इनटू द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। एक कंसेप्ट हमने जो सोलापुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था उसको हम लोग दिल्ली लेके आए। डोंकी मिल्क फार्मिंग जो है एक बहुत ही न्यू कंसेप्ट है अपने कंट्री के अंदर। ऐसा है कि इंडिया के अंदर इस दूध को बहुत ज़्यादा माना नहीं जाता, हम लोग ज़्यादा पहचानते नहीं उसको, यूज़ नहीं करते हैं। जहाँ जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं वी आर क्रिएटिंग अवेयरनेस, उनको हम लोग बता रहे हैं कि कैसे आप इसको मार्केट कर सकते हो। हम लोग वहाँ से खरीद रहे हैं, उसको मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट कन्वर्ट करके। बट अगर बात करें बहुत सारी, अगर 2017 में व्हेन आई स्टार्टेड, तो वहाँ पे एक सिंगल आर्टिकल मौजूद नहीं था गूगल पे जो डोंकी मिल्क के कंसेप्ट में बात करता था। 2 साल के अंदर जो मार्केट में डोंकी मिल्क बहुत ही ट्रेंडिंग में चला गया, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस मिल्क, एंड लोग आ रहे हैं, बाहर निकल के लोग आ रहे हैं डोंकी का मिल्क मिल्क करना चाहते, मिल्किंग प्रोसेस में भाग लेना चाहते, फार्म यूज का फार्म ओपन करना चाहते। ना ही सिर्फ मार्जिलाइज फार्मर्स, बट एट द सेम टाइम जो एजुकेटेड क्लास होती है वो भी इस प्रोसेस को लेकर बहुत ही अट्रैक्टिव वे में आगे आ रहे हैं उसको लेकर। तो जो बेनिफिट होता है डोंकी मिल्क में, पहले उस मार्केट के पहले मैं बताना चाहूंगी कि डोंकी मिल्क क्यों उपयोगी है, क्यों हमें यूज करना चाहिए। डोंकी मिल्क जाना जाता है अपने नेचुरल एंटी एजिंग कंपोनेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छा उसके अंदर विटामिन्स, प्रोटीन, न्यूट्रिशन होता है, जो आपके जो स्किन रिलेटेड इश्यूज होती हैं, अगर आपका स्किन एलर्जिक है किसी चीज को लेकर के, आपके स्किन में कोई दिक्कत है, इवन पीपल विद द सिरोसिस और एक्जिमा एक टाइम पे उसको कंट्रोल कर सकता है उस चीज को। तो डोंकी मिल्क ना ही स्किन केयर में भी, बट साथ ही साथ
अगर बात करें कंज्यूम करने के लिए डायरेक्टली पेट के लिए, स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए, जो बच्चे होते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है जिनको, उनके लिए डोंकी मिल्क बहुत अच्छा होता है। काली खांसी के लिए डोंकी मिल्क बहुत अच्छा होता है। तो बहुत सारे फायदे हैं डोंकी मिल्क के अंदर जो लोगों तक पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग अपनी बात करें, हम लोग क्या कर रहे हैं इससे डोंकी मिल्क के साथ, तो डोंकी मिल्क को हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप लोग जान के भी सरप्राइज होंगे, द कॉस्ट ऑफ डोंकी मिल्क स्टार्ट फ्रॉम 2000 रुपीज़ अ लीटर की अपनी कंट्री के अंदर, जो कि 7000 भी जाता है। लोगों को इस चीज़ की बहुत अवेयरनेस नहीं है इसके अंदर, जो लोग पाल रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता था उनकी गधैया भी दूध देती है। तो एक अवेयरनेस क्रिएट करना, एक टैबू को इंडिया अपनी कंट्री से हटाना, अपनी कम्युनिटी से हटाना, मार्केट में उस प्रोडक्ट को लेके जाना, सो ये हमारा एक ऑर्गेनिकों का रोल है। न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर कमिंग, लोग जो है प्रेफर करते हैं चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो जल्दी काम कर दे, तो डोंकीज का जो एक तत्व होता है वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। एंड डोंकी मिल्क आई थिंक एक अल्टरनेटिव रिसोर्स हो सकता है, एक अल्टरनेटिव वे हो सकता है डोंकी मिल्क डोंकी के पॉपुलेशन को बचाने का, बिकॉज जो लोग डोंकीज को पालते हैं ये एक सोने की चिड़िया की तरह सामने आ सकता है। बिकॉज आप नॉट लाइक 1300 to 2000 रुपीज़ लीटर आप उसको मिल्किंग करते हो, आपको मिल्क की प्राइस मिल जाता है जो कि आप 150 और 300 रुपए ईंट की भट्टी और कंस्ट्रक्शन पे कमा रहे हो। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड क्रिप्को, एक भारतीय सहकारी समिति, एशिया की प्रमुख उर्वरक निर्माता कंपनियों में से एक है, किंतु ये केवल खाद निर्माता ही नहीं बल्कि कृषि के बहुमुखी विकास के लिए भी प्रयासरत है। क्रिप्को कृषक भारतीय कोऑपरेटिव देश की ये सहकारी संस्था है। हम किसानों के लिए यूरिया खाद का उत्पादन करते हैं। इसके साथ साथ किसान की जो और आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें उनको DAP उपलब्ध कराना, उनको NPK उपलब्ध कराना, उनको पोटास उपलब्ध कराना, या अच्छी क्वालिटी का बीज किसानों को उपलब्ध कराने के लिए हमारा लगातार प्रयास रहता है। और बीज उत्पादन के लिए भी हमने बीज उत्पादन संयंत्र लगा रखे हैं। हमारा ये भी प्रयास रहता है कि किसानों की जो आवश्यकताएं हैं वो हम समय से पूरी करें। हमारा ये प्रयास रहता है कि किसान के खेत का उत्पादन बढ़े, उसको कृषि आदान में जिन चीज़ों की आवश्यकता हो उनको हम समय से पूरा करें, जिससे कि वो किसान अच्छा उत्पादन ले सके। हमने मॉडर्नाइज तरीके से यहाँ मिट्टी के परीक्षण के लिए लैब भी बना रखा है, जिसके माध्यम से हम मिट्टी का परीक्षण करा के किसानों तक रिपोर्ट पहुँचाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। किसानों को अच्छी क्वालिटी का सीड उपलब्ध हो, हमने सीड प्लांट भी लगभग हर स्टेट में बनाए हैं और हम सर्टिफाइड सीड किसानों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सीड ग्रोअर भी हमारे किसान ही होते हैं और हम अच्छे तकनीक से और वैज्ञानिकों की देखरेख में सीड तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को अच्छी क्वालिटी का सीड उपलब्ध हो सके। इसलिए किसानों की आमदनी बढ़े उसके लिए हमारा लगातार प्रयास है और हम पूरी तरीके से किसानों की मदद और सहयोग करने के लिए उनके साथ खड़े हुए हैं।
खुशखबरी, विटामिन सी से भरपूर स्वाद में भी सभी को पसंद आने वाला फल है। कृषि विज्ञान ने स्ट्रॉबेरी की ऐसी किस्में इजाद की हैं जो कि राजस्थान में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। अधिक कीमत पर बिकने वाला ये फल किसानों के लिए फायदे का सौदा है। अधिष्ठाता उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय में स्ट्रॉबेरी की खेती जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हम लोग 2012 से कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी टेम्परेट जलवायु की फसल है जो पहाड़ों पर होती है, इसके लिए नैनीताल या महाबलेश्वर ये जगह काफ़ी अनुकूल हैं जहाँ पर इसकी खेती लंबे समय से होती आई है। लेकिन कुछ ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जो कि मैदानी भागों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसी को देखते हुए हमने इस महाविद्यालय में अभी तक कुल 16 किस्मों का मूल्यांकन किया है और जिसमें से जो विंटर डान किस्म है वह राजस्थान की जलवायु के लिए काफ़ी उपयुक्त पाई गई है। इसके लिए कम पीएच मान की मृदा ज़्यादा उपयुक्त होती है, जिसके लिए पीएच मान कम से कम 5 से लेकर के 6.5 पीएच मान की मृदा काफ़ी अच्छी पाई जाती है और ऐसे स्थान का चुनाव किया जाए जहाँ पर पानी का निकास बहुत ही अच्छा तरीके से हो। और स्ट्रॉबेरी को उगाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप इसको मल्च के ऊपर उगाएं, क्योंकि इसके फल जो है, इसका पौधा बहुत बड़ा नहीं होता है, इसके फल जो हैं ज़मीन से टच करेंगे तो वो सड़ने की संभावना रहती है, तो इसको हमेशा मल्च और ड्रिप के साथ ही इसको उगाने की सिफारिश करते हैं। जहाँ तक स्ट्रॉबेरी की खेती की बात है तो स्ट्रॉबेरी को वैसे अभी तक तो खुले मैदानों में इसको लगाया जा रहा है, लेकिन स्ट्रॉबेरी को हम पॉली हाउस में भी खेती कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ किसान इसको पॉली हाउसेज में भी इसकी खेती कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पॉली हाउसेज में एक फ़ायदा है कि पैदावार अधिक मिलती है, दूसरा जो है कीट और व्याधियों का प्रकोप भी कम रहता है। और अपने यहाँ झालावाड़ में महाविद्यालय में प्रयास कर रहे हैं कि स्ट्रॉबेरी को हम पॉली हाउसेस में, और दूसरा क्या है कि हमारे पास हाइड्रोपोनिक सिस्टम है, हम चाह रहे हैं कि इसको हाइड्रोपोनिक हम इसका खेती कर पाएँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि भविष्य में हमारे किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। जो फर्टिलाइज़र है वो भी हम ड्रिप के माध्यम से देते हैं और स्ट्रॉबेरी ड्रिप के ऊपर सबसे अच्छा परफॉर्म करती है। ड्रिप और मल्च इसके लिए होना अति आवश्यक है। किसान भाइयों, कहूँगा कि जो इसकी खेती में जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली बात है किस्म, तो इसके जो अच्छी किस्में जो हैं, एक तो विंटर डान, दूसरी किस्में इसमें चैंडलर है, स्वीट चार्ली है, ये इसकी अच्छी किस्में हैं। अगर इनकी खेती किसान भाई करता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी समस्या की मैं बात कहूँ तो इसके फल जो है वो बहुत ही कम दिनों में ख़राब होने लगते हैं, जैसे तुड़ाई के तुरंत ही इसको बाज़ार में बिक्री के लिए भेज देना चाहिए और इसके लिए अच्छी तरीके से डिब्बे में पैकिंग की जाती है, जो कि 200 से लेकर के 250 ग्राम का एक एक बॉक्स होता है। फिर इन डिब्बों को एक क्रेट्स में रखा जाता है और फिर इनको दूरस्थ जगहों पर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। अगर पैकिंग अच्छी तरह से हम नहीं करते हैं तो फल आपस में टकरा करके ख़राब होने का डर रहता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें एक थ्रिप्स की समस्या आती है बहुत ज़्यादा, तो थ्रिप्स की वजह से इसके फल जो होते हैं खुरदुरे हो जाते हैं और उसका रंग ख़त्म हो जाता है, फल छोटे हो जाते हैं, पौधा अच्छा बढ़वार नहीं करता है। मैं कहूँगा कि थ्रिप्स के लिए नीले रंग का स्टिकी ट्रैप लगाएं और एक तरह के जैसे नीम का तेल है, सबसे पहले उसका छिड़काव करें। उस तरह अगर बाय द वे उससे कीट का नियंत्रण नहीं हो पाता है, फिर किसी आपकी जो रासायनिक दवाइयों का आप प्रयोग करें। और ये फसल जो है बहुत ही कम अवधि की है। जहाँ तक इसके एक हेक्टेयर में पौधों का प्रश्न है तो कुल 50 से 60 हज़ार पौधों की इसमें आवश्यकता होती है। शुरू में इसकी खेती पर लागत ज़्यादा आती है, एक हेक्टेयर की खेती में कम से कम 8 से 10 लाख लागत आती है। जहाँ तक पैदावार की बात है, एक हेक्टेयर से हमको 20 से 25 टन जो है उत्पादन मिल जाता है और बाज़ार भाव अगर हम एवरेज देखें तो 80 से लेकर के 200 रुपया पर केजी तक बिकता है, तो उसके हिसाब से हर किसान को कम से कम 15 से लेकर के 25 लाख पर हेक्टेयर के हिसाब से उसको फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा फार्मर जो है जहाँ पर पहाड़ी एरियाज है वहाँ पर इसके रनर्स से भी वो अपने को उनको आमदनी मिल जाती है, क्योंकि हर साल इसी पौधों से रनर्स तैयार होते हैं और फिर उसी से वो खेती करते हैं, तो उनको रनर्स से भी फ़ायदा हो जाता है।
हमेशा अपडेट रहेंगे। इसी विश्वास के साथ अब हमारा आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है। कृषि अपडेट के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए कृषि अपडेट के साथ आपके अपने कार्यक्रम कृषि अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चंदपुर में सबसे न्यारे सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी गोली वाणी है, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। खास छिपा है इसमें, मर्यादा है कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें, सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। जिस खानदान में ब्याह कर आई हो उस खानदान की औरतें माँ नहीं बन सकती। अगर 15 महीने के अंदर मेरी बहू माँ नहीं बन सकती तो मैं इस गांव को ये मुखिया का पद छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊँ। मैं माँ नहीं बनना चाहती। ना रहेगा खिलाड़ी ना बिछेगी निशा। अगर माँ बाबा को ये बात पता चली तो वो कभी नहीं माने। तो आप क्या चाहते हो, ये भी तानपुरा लेकर ठुमरी गाए क्या? ना तो सुनने के लिए कोई बचा है और ना गाने के लिए। ये बाबा की ठुमरी को लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और ये दूसरी बार कर रहे हो तुम? मैं तुमसे कभी पूछती हूँ क्या ये क्यों कर रही हो, ठुमरी क्यों गा रही हो? कि हमारी बातचीत में ठुमरी कहाँ से बीच में आ गई? ठुमरी गा के तुम संस्कृति और सभ्यता की देवी बन चुकी हो। बदलते भारत।